तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। अशोक किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर की दाल में मटन की नई रेसिपी। तो हमने एक कटोरी डाल लिया है, देखिए मसूर का, जिसे हमने धो लिया, इसे धो के रखा हुआ है। और आधा किलो हमने मटन लिया है, जिसे अच्छी तरीके से हमने धो लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें हम मसाला आपको दिखा देते हैं क्या क्या डालेंगे। तो हमने लिया है लहसुन, प्याज, मर्चा, अदरक, टमाटर। और गरम मसाले में लिया है हमने जावित्री, जायफर, काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग और जीरा। तो इन सभी मसालों को हम इकट्ठा मिक्सर में पीस लेंगे। तो आइए मसाला हम पीस लेते हैं दोस्तों। और तड़के के लिए हमने लिया है प्याज, तो हमने 4-5 प्याज मीडियम साइज के इसको काट लिया है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो मिक्सर में सभी मसाला हम पीस लेंगे। तो दोस्तों, गैस को हमने जला दिया है और कुकर हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। दालचीनी का एक टुकड़ा डालेंगे और एक इलायची हम डाल रहे हैं, बड़ी इलायची जिसे तोड़ के डाल रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल। जीरा डालेंगे बारीक कटा हुआ, हम प्याज डाल देंगे, प्याज को हम बिल्कुल भूरा कर लेंगे। तो देखिए प्याज हमारा भूरा हो चुका है, और इसे हम मसाला डाल देंगे इसमें। तो मिक्सर में पिसा हुआ मसाला हम डालेंगे, तो देखिए आधा चम्मच हल्दी डालेंगे साथ में, और एक चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, और एक चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। लाल मिर्च डाल रहे हैं थोड़ा सा, और कश्मीरी मिर्च हम डालेंगे आधा चम्मच। मसाले को अच्छी तरीके से हम मिला देंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से भून लेंगे तेल के अंदर। मसाले को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, मसाले में से तेल बाहर आ जाना चाहिए बिल्कुल। तो मसाले में से तेल देखिए बिल्कुल बाहर आ चुका है, ये देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक गया है। और इसमें आधा चम्मच हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, आप अपने हिसाब से डालिएगा। थोड़ा सा मसाला और हम पकाएंगे। मसूर की दाल हम इसे डालेंगे पहले। और गैस धीमी कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल मसाले के अंदर चला लेंगे, इसे मिला देंगे। साथ में हम मटन डाल देंगे। मटन को भी अच्छी तरीके से हम इसमें मिला लेंगे बिल्कुल मसाले के अंदर। और दो
चार मिनट बिल्कुल अच्छे तरीके से मसाले के अंदर मटन को हम भून लेंगे बिल्कुल। पानी हम डालेंगे, ज़रूरत के हिसाब से ही डालिएगा आप। गैस को हाई कर देंगे और हम ढक्कन लगा देंगे गैस कुकर का, एक सीटी आ जाएगा उसको, उसके बाद हम गैस को लो कर देंगे बिल्कुल और 20 से 25 मिनट हम इसे स्लो आंच पे पका लेंगे बिल्कुल। तो दोस्तों एक सीटी आ गया, हम गैस को बिल्कुल लो कर देंगे। तो दोस्तों मसूर की दाल और मटन हमारा बिल्कुल बेहतरीन लाजवाब देखिए पक चुका है। अब इसे एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं, देखिए बिल्कुल। तो दोस्तों मसूर की दाल और मटन हमारा बिल्कुल बेहतरीन पक के तैयार है, ये देखिए बनके। इसमें थोड़ा सा हम धनिया डाल दे रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल लाजवाब। ये नई रेसिपी है, आपको पसंद ज़रूर आएगा दोस्तों, और ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है। तो दोस्तों इस तरीके से बनाइए और परिवार के साथ मज़े से खाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।